बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, और ये जो ब्रेकफास्ट है 10 मिनट्स में बन के रेडी भी हो जाता है। तो आज मैं आप सबको स्पेशल किस्म के एग्स पराठे बनाना सिखाऊंगी। इन पराठों में हम आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो बिना आटे के ये पराठे कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन है इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो सबसे पहले आपको मैदा चाहिए होगा। मैदा मैंने ले लिया 1 कप, दूध मैंने ले लिया 1.5 कप, 1.5 कप आपको दूध चाहिए होगा, 2 मैंने बड़े साइज के अंडे ले लिए हैं, और इसके बाद व्यूवर ये मैंने ले लिया है बारीक कद्दूकश की हुई शिमला मिर्च। ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट है रेसिपी का, इससे जो हमारे पराठे हैं वो टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो शिमला मिर्च लेके उसे ग्रेट कर लीजिएगा जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया। और बारीक कटी हुई कद्दूकश की हुई आपको गाजर चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसके बाद आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, और 1/2 टीस्पून ही मैंने ले लिए कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, और बाउल के अंदर हम डालेंगे गाजर। गाजर डालने के बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी काले मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स मैंने कर दी है, और ये मेरे पास जो 2 अंडे थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो ये देखिए अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम सारा मैदा, और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, और इसको क्या करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा कि आटे की गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, मैदे की गुठलियाँ। तो ये देखिए मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप जो है मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया, और ये हमारा जो बैटर है पराठों का बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इतना ये पतला होना चाहिए जिस तरह से आप देख रहे हैं, रनी होना चाहिए आपका बैटर जो है। और अब क्या करेंगे, हम चूल्हे के ऊपर पैन रखेंगे, फ्लेम नीचे बिल्कुल आपने लो रखनी है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ घी 1 टीस्पून। पूरे पैन को आपने घी से ग्रीस करना है, अगर घी नहीं है तो आप बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बैटर था ये मैंने कप में डाल दिया, और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बैटर है हम वो इस तरीके से सेंटर में डालेंगे थोड़ा सा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम को हाई आप मत कीजिएगा वरना पराठा आपका जल जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। एक साइड जैसे ही पक जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली साइड पे हम घी लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड जो है आपको नज़र आ रही होगी पक चुकी है, तो मैंने तकरीबन इस पे घी लगा दिया 1 टेबलस्पून जितना। और अब क्या करेंगे, पलटे की मदद से आपने इसकी साइड जो है इस तरीके से आपने बदल देनी है, ये देखें, और ऊपर वाली साइड पर भी हम घी लगा लेते हैं। घी जो है आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है पराठे बन रहे हैं तो ज़्यादा ही घी से अच्छे पराठे बनते हैं। तो राउंड आपने इस तरीके से इसको घुमाते जाना है ताकि चारों साइड पे फूल आ जाएं। तो अब मैंने नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हम पराठों को बनाएंगे। नॉर्मली जैसे हम पराठे बनाते हैं घर में आम पराठे, ये भी इसी तरीके से ही आपने बनाने होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से आगे पीछे से बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर फ्लावर बन चुके हैं। तो ये हमारा जो पराठा है बन के रेडी हो चुका है, और अब क्या करते हैं इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पराठे बने हुए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ।
तो ये देखें जी, हमारा जो 10 मिनट ब्रेकफास्ट है बनके रेडी हो चुके हैं। पराठों की सॉफ्टनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हुए हैं। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं, तो आप इन पराठों को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, पूरा लंच बॉक्स बच्चे जो हैं वो फिनिश करके आएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं लंच बॉक्स जो हैं वो फिनिश करके नहीं आते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।